In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today, we are going to start our first unit of maths of class 5. This is your book, Oxford New Countdown, book 5, 3rd edition. Unit 1, Numbers and Arithmetic Operations. Today, our topic is Numbers and Arithmetic Operations, and subtopic is Place Value Chart and Numbers in Words. Objectives are, you will be able to draw place value chart to convert numbers into words. See the leaves. अब हम इन लीव्स को काउंट करेंगे. आइए आप भी मेरे साथ काउंट कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many leaves are there? Good. There are 6 leaves. Students, अब आप मुझे बताइए हमने लीव्स को किसकी हेल्प से काउंट किया है. Good. नंबर्स को यूज़ करते हुए हमने लीव्स को काउंट किया है. आइए अब हम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं. अ नंबर इज़ अ वर्ड और सिंबल डैट रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ पीपल और थिंग्स. नंबर एक वर्ड या सिंबल है जिसे हम लोगों या चीज़ों की अमाउंट यानी तादाद मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं. अब हम पहले देखेंगे कि वर्ड या सिंबल किसे कहते हैं. हाउ कैन राइट नंबर्स इन वर्ड्स. स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए नंबर्स को वर्ड्स में राइट किया गया है. इस काउंटिंग को क्या कहते हैं. गुड. इस काउंटिंग को काउंटिंग इन वर्ड्स कहते हैं. डू यू नो अबाउट सिंबल. सिंबल इज़ अ फिगर और साइन. क्या आप जानते हैं काउंटिंग इन फिगर्स किसको कहते हैं. वेरी गुड. इस काउंटिंग को काउंटिंग इन फिगर्स कहते हैं. 0 to 9 काउंटिंग को क्या कहा जाता है. वेरी गुड. 0 to 9 काउंटिंग को डिजिट्स कहते हैं. दीज आर डिजिट्स. 10 से ऑनवर्ड जितनी भी काउंटिंग है इसे नंबर्स बोलते हैं. नंबर डिजिट से मिलकर बनते हैं. 18 को देखिए किन डिजिट से मिलकर बना है. वेरी गुड. 18 1 and 8 से मिलकर बना है. इसी तरह तमाम नंबर डिजिट से मिलकर बनते हैं. यहाँ देखिए ये क्या है. ये साइन है. These are also called arithmetic operations. इनको arithmetic operations भी कहते हैं. ये कौन सा साइन है. Good. ये addition का साइन है. Addition के साइन को हम क्यों यूज़ करते हैं. Very good. दो या दो से ज़्यादा numbers को add करने के लिए हम addition का साइन यूज़ करते हैं. इस साइन का क्या नाम है. वेरी गुड. ये सब्ट्रैक्शन का साइन है. ये कौन सा साइन है. गुड. ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है. मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम क्यों यूज़ करते हैं. वेरी गुड. दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं. इस साइन का क्या नाम है. गुड. ये डिवीजन का साइन है. नाउ वी विल वर्क विद डिफरेंट प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर डिफरेंट प्लेसेस. सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट को ड्रा करना सीखेंगे. नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में जानना ज़रूरी है. प्लेस वैल्यू चार्ट को ड्रा करने से हम अमाउंट को सही से रीड एंड राइट कर सकते हैं. सबसे पहले हम 7 डिजिट्स के प्लेस वैल्यू चार्ट्स को देखेंगे.
See the place value chart for 7 digits. Unit, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000 and million. Unit, tens, 100 के period को क्या बोलते हैं? Units period, 1000, 10,000, 100,000 के period को क्या कहते हैं? Thousands period. Million के period को क्या कहते हैं? Millions period. Now see the place value chart for 8 digits. Unit, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million and 10 million. Unit, tens, 100 के period को क्या कहते हैं? Units period. 1000, 10,000, 100,000 के पीरियड को क्या कहते हैं? थाउजेंड पीरियड. मिलियन एंड 10 मिलियन के पीरियड को क्या कहते हैं? मिलियंस पीरियड. 7 डिजिट के प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास प्लेसेस कहाँ तक थी? गुड, 7 डिजिट के प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास प्लेसेस मिलियन तक थी. 8 डिजिट के प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास प्लेसेस कहाँ तक चली गई हैं? वेरी गुड, 10 मिलियन तक. इट मीन्स जैसे जैसे हम डिजिट्स इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट एक्सपेंड होता जाएगा. नाउ सी द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर 9 डिजिट्स. यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. यूनिट, टेंस, 100 के पीरियड्स को क्या कहते हैं? वेरी गुड, यूनिट्स पीरियड. 1000, 10,000, 100,000 के पीरियड को क्या कहते हैं? गुड, थाउजेंड पीरियड. मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन के पीरियड को क्या कहते हैं? मिलियंस पीरियड. नाउ सी द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर 10 डिजिट्स. यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन. 9 डिजिट के प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास प्लेसेस कहाँ तक थी? वेरी गुड, 9 डिजिट्स के प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास प्लेसेस 100 मिलियन तक थी. 10 डिजिट के प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास प्लेसेस कहाँ तक हैं? वेरी गुड, 10 डिजिट्स के प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास प्लेसेस बिलियन तक हैं. देखें, 9 डिजिट्स के प्लेस वैल्यू चार्ट में 100 मिलियन तक एंड 10 डिजिट्स के प्लेस वैल्यू चार्ट में बिलियंस तक. जैसे ही हम नंबर इंक्रीज करते हैं, हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट भी एक्सपेंड हो जाता है. नाउ ओपन योर बुक पेज 3. वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1A. ओपन योर बुक पेज 4. वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट A. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. ये हमारे पास अमाउंट है, हमने इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. फिगर्स को वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करते हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करने से पहले हम अपनी अमाउंट पर प्लेसेस को राइट करते हैं. हमने अपनी अमाउंट को यहाँ पे राइट किया है. अब आप मुझे प्लेसेस राइट करवाइए. प्लेसेस को किस साइड से राइट करते हैं? गुड, राइट साइड से. ज़ीरो पे कौन सी प्लेस राइट करेंगे? यूनिट. नेक्स्ट ज़ीरो पे कौन सी प्लेस राइट करेंगे? टेंस. नेक्स्ट ज़ीरो पे कौन सी प्लेस राइट करेंगे? हंड्रेड. नेक्स्ट ज़ीरो पे कौन सी प्लेस राइट करेंगे? थाउजेंड.
नेक्स्ट जीरो पे कौन सी प्लेस राइट करेंगे, 10,000। फाइव पे कौन सी प्लेस राइट करेंगे, 100,000। वन पे कौन सी प्लेस राइट करेंगे, मिलियन। प्लेसेस को राइट करने से हम अमाउंट को अच्छे से प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर सकते हैं। आए अब हम अपनी अमाउंट को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करते हैं। यूनिट के प्लेस पर कौन सा डिजिट पुट करेंगे, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है, यूनिट। टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट पुट करेंगे, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पे कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है, टेंस। हंड्रेड के प्लेस पे कौन सा डिजिट पुट करेंगे, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है, हंड्रेड। थाउजेंड की प्लेस पर कौन सा डिजिट पुट करेंगे, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है, थाउजेंड। 10,000 की प्लेस पर कौन सा डिजिट पुट करेंगे, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है, 10,000। 100,000 की प्लेस पर कौन सा डिजिट पुट करेंगे, फाइव, क्योंकि फाइव पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है, 100,000। मिलियन की प्लेस पर कौन सा डिजिट पुट करेंगे, वन, क्योंकि वन पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है, मिलियन। आए अब हम अपनी अमाउंट को रीड करते हैं। अमाउंट को किस साइड से रीड करते हैं, गुड, अमाउंट को लेफ्ट साइड से रीड करते हैं। आए अब आप मेरे साथ रीड कीजिए, वन मिलियन, फाइव, हंड्रेड, थाउजेंड। नेक्स्ट जीरोस है, जीरोस को रीड नहीं करते। आए अब हम अपनी अमाउंट को राइट करते हैं, वन मिलियन, फाइव, हंड्रेड, थाउजेंड। वन मिलियन, फाइव, हंड्रेड, थाउजेंड। Now we are going to solve question number 7, part D. ये हमारे पास amount है, हमने इसको words में convert करना है। Figures को word में convert करने के लिए क्या करते हैं, Good, place value chart में put करते हैं। Place value chart में put करने से पहले हम अपने amount पर क्या write करते हैं, Very good, हम अपनी अमाउंट पर प्लेसेस को राइट करते हैं। आए अब आप मुझे प्लेसेस को राइट करवाइए। प्लेसेस को किस साइड से राइट करना स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड, प्लेसेस को राइट साइड से राइट करना स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो पे यूनिट, नेक्स्ट ज़ीरो पे टेंस, नेक्स्ट ज़ीरो पे हंड्रेड, नेक्स्ट ज़ीरो पे थाउजेंड, नेक्स्ट ज़ीरो पे 10,000, नेक्स्ट ज़ीरो पे 100,000, नेक्स्ट ज़ीरो पे मिलियन, एंड फोर पे कौन सी प्लेस वैल्यू राइट करेंगे, 10,000,000। एट पे 100,000,000, एंड टू पे बिलियन। आए अब हम अपनी अमाउंट को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करते हैं। यूनिट, टेंस, हंड्रेड की प्लेस पर कौन सा डिजिट पुट करेंगे, वेरी गुड, ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो पर यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड की प्लेस वैल्यूज़ को राइट किया गया है, थाउजेंड, 10,000, 100,000 की प्लेस पर कौन सा डिजिट पुट करेंगे, वेरी गुड, ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो पर 1,000, 10,000 एंड 100,000 की प्लेस वैल्यू को राइट किया गया है। मिलियन में कौन सा डिजिट पुट करेंगे, वेरी गुड,
ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है? मिलियन। 10 मिलियन की प्लेस में कौन सा डिजिट पुट करेंगे? 4, क्योंकि 4 पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है? 10 मिलियन। 100 मिलियन की प्लेस में कौन सा डिजिट पुट करेंगे? वेरी गुड, 8 पुट करेंगे, क्योंकि 8 पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है? 100 मिलियन। बिलियन के प्लेस पे कौन सा डिजिट पुट करेंगे? वेरी गुड, 2 पुट करेंगे, क्योंकि 2 पर कौन सी प्लेस वैल्यू राइट की गई है? बिलियन। आए अब हम अपनी अमाउंट को रीड करते हैं। अमाउंट को किस साइड से रीड करते हैं? वेरी गुड, अमाउंट को हम लेफ्ट साइड से रीड करते हैं। 2 बिलियन 800। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 10 मिलियन एंड मिलियन है। जहाँ पे भी जिस प्लेस के साथ 10 आ जाए, उस प्लेस को नेक्स्ट प्लेस के साथ कंबाइन करके रीड करते हैं। जैसे यहाँ आपके पास 10 मिलियन है, इसे मिलियन के साथ कंबाइन करके रीड करेंगे, और इसकी वैल्यू जैसे 10 मिलियन की 4 है, मिलियन की 0 है, जब इसे कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो 40 बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2 बिलियन 840 मिलियन। लेट्स गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स विच वी हैव लर्न टुडे। आज हमने नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स बताइए, हम नंबर्स को क्यों यूज़ करते हैं? वेरी गुड, हम नंबर्स को चीज़ों की अमाउंट यानी तादाद मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने लीव्स को किसकी हेल्प से काउंट किया था? गुड, हमने नंबर्स को यूज़ करते हुए लीव्स की अमाउंट यानी तादाद मालूम की थी। हमने 7 to digits 10 digits प्लेस वैल्यू चार्ट को ड्रा करना सीखा। बताइए, हम प्लेस वैल्यू चार्ट में अपनी अमाउंट को किस साइड से रीड करते हैं? गुड, हम अपनी अमाउंट को लेफ्ट साइड से रीड करते हैं। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में मैक्सिमम कितने पीरियड्स के बारे में पढ़ा है? गुड, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में मैक्सिमम 4 पीरियड्स के बारे में पढ़ा है। वो कौन कौन से पीरियड्स हैं? गुड, 1s पीरियड, 1000s पीरियड, मिलियंस पीरियड एंड बिलियंस पीरियड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यूनिट्स पीरियड के बारे में पढ़ा था। जी, यूनिट्स पीरियड को 1s पीरियड भी कहते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट्स बी सी एंड डी एंड क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट्स ए बी एंड सी। सॉल्व ऑन योर नोटबुक्स। आवर टुडे वर्क इज़ कंप्लीटेड। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।